हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के पार्षदों की पावर बढ़ाने और बैठक भत्ते की शुरुआत करने की घोषणा की। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि वार्ड कमेटी गठित होने तक कमेटी की फुल पावर अब वार्ड पार्षद के पास होगी, ताकि बोर्ड में विकास कार्यों को और गति प्रदान की जा सके। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हिसार में आयोजित राज्य स्तरीय शहरी स्थानीय निकायों के जन प्रतिनिधियों के सम्मेलन में शामिल हुए। प्रदेश भर से आए जन प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि वार्ड कमेटी गठित होने तक कमेटी की फुल पावर अब संबंधित वार्ड के पार्षद के पास होगी, ताकि वार्ड के विकास कार्यों को और गति प्रदान की जा सके। सीएम के इस ऐलान के मुताबिक वार्ड कमेटी गठित होने तक कमेटी की फुल पावर अब वार्ड पार्षद के पास रहेगी। वार्ड कमेटी में सचिव की नियुक्ति नहीं होती है या फिर किसी कारण सचिव बैठक से अनुपस्थित रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में पार्षद के पास किसी भी स्नातक व्यक्ति से बैठक की कार्यवाही बनवाने का अधिकार होगा। ऐसे व्यक्ति के लिए 1,000 रुपए प्रति बैठक का पारिश्रमिक देने का अधिकार भी पार्षद को मिला है। वही वार्ड कमेटी की प्रत्येक तिमाही बैठक के लिए पार्षद को बतौर चेयरमैन बैठक भत्ता भी दिया जाएगा। हमने ये निर्णय किया है कि किसी भी कारण से जब तक वार्ड कमेटी गठित न हो, तब तक वार्ड कमेटी की पूरी पावर वो पार्षद के पास रहेगी। तो ये हमारे जो चेयरमैन है, हमने चेयरमैन को ये ताकत दी है कि वो किसी भी स्नातक जिसने बीए की हुई हो, स्नातक व्यक्ति को वो पकड़ेगा और अपनी पूरी कार्रवाई लिखवा लेगा। उसके लिए प्रति बैठक 1,000 रुपया देने का प्रावधान भी इसके अंदर हमने किया है। मुख्यमंत्री ने शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा के नेतृत्व में नगर निकाय प्रतिनिधियों के मानदेय बढ़ोतरी के लिए एक समिति गठित करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि समिति सभी से विचार विमर्श कर जल्दी अपनी रिपोर्ट देगी। निकाय जन प्रतिनिधियों को लेकर सीएम के इस ऐलान में तिमाही बैठक में शामिल होने के लिए नगर पालिका पार्षद को 1,600 रुपए की बैठक भत्ता राशि देने का ऐलान किया गया। इसके साथ ही नगर परिषद के पार्षद को 2,400 रुपए, नगर निगम पार्षद को 3,000 रुपए की भत्ता राशि दी जाएगी। 15 अगस्त और 26 जनवरी के कार्यक्रम में सीएम या केंद्रीय मंत्री के आने पर उन्हें अतिरिक्त राशि मिलेगी। इसके साथ ही नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के पार्षदों को भी ये राशि मिलेगी। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में किसी तरह के विशेष कार्यक्रम होने पर 30,000, 20,000 और 10,000 रुपए की राशि क्रमशः दी जाएगी। 2024 ये 23 के एंड और 24 के ईयर्स में जो आप लोगों का मानदेय था उसको बढ़ाया गया था, और अभी कुछ पार्षद कह रहे थे, कहा भी हमारे बारे में विचार करो। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि पालिकाओं के सभी पार्षद अपने अपने वार्ड में सभी प्रकार के कार्यों की निगरानी करेंगे, जिसमें वार्ड के विकास कार्यों का बजट बनाना या उसमें आवश्यकता अनुसार बदलाव करना शामिल होगा। इसके साथ ही उन्हें साफ सफाई का प्रबंधन करना होगा। भूमि विकास या सीएलयू और जोनिंग प्लान का कार्य, खेल के मैदानों, सड़कों और स्ट्रीट लाइट के रखरखाव की जिम्मेदारी भी उनकी रहेगी। स्वास्थ्य केंद्रों की गतिविधियों की निगरानी भी वो करेंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों की गतिविधियों की निगरानी करना, जल आपूर्ति, सफाई प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी क्षेत्र में गरीब व्यक्तियों की मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी उनकी रहेगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के संबंधित कर्मचारियों को भी वार्ड कमेटी की बैठक में शामिल होना अनिवार्य रहेगा। पालिकाओं के पार्षदों को आयुष्मान भारत चिरायु योजना के तहत चिकित्सा सुविधाओं का लाभ भी दिया जाएगा। पालिकाओं के सभी पार्षदों अपने अपने वार्ड में जितने भी काम आपके वार्ड में चल रहे हैं, कोई भी काम चल रहा है, उसकी निगरानी का अधिकार हम पार्षद से पार्षद को दे रहे हैं, चाहे वो सफाई को लेकर के हो, कूड़ा करकट का हो। इन सभी कामों पर आप लोग आज से ही इसकी देखरेख के अंदर शामिल हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने पार्षदों को शहरों की सरकार बताते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार शहरों और कस्बों में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ बनाने पर विशेष बल दे रही है। गुरुग्राम,
फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार और पंचकुला के विकास के लिए मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। इतना ही नहीं, नगर निगम, नगर परिषद और समितियों के मेयर अध्यक्ष समेत सदस्यों के मानदेय में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई। सीएम ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों के शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए भी कई कदम उठाए। यही नहीं, इस सरकार में मेयर का प्रत्यक्ष चुनाव भी करवाया गया है। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।